हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है हमारा सेल एंड बैटरी का। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कुछ आपको फैक्ट्स याद करने हैं, कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, और जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज़ आपको ध्यान से समझनी है और इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप इजीली जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम, इजीली इसको गेट थ्रू होंगे। आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर, दैट इज सेल एंड बैटरीज। तो सबसे पहले समझिए कि सेल और बैटरी, सेल और बैटरी से आप जो है बचपन से वाकिफ है। मैं बात करता हूं आपके टॉयज की, बात करूं मैं बचपन में आपके जो खिलौने होते हैं वो आपके किसे चलते हैं, सेल से चलते हैं। आज आप बाइक चला रहे हो तो बाइक में क्या लग रही है, बाइक में जो लैंप ऑन हो रहा है, बाइक में पीपी की घंटी बजा रहे हो, ये सब किस चीज से हो रहा है, ये हो रहा है किससे, बैटरी से हो रहा है। ठीक है, अब आगे आने वाले समय में आपने कार ले ली तो कार में भी क्या लगेगी, आपकी बैटरी ही लगेगी। आपकी दीवार की घड़ी जो है, आपकी दीवार की घड़ी या सामने आपके टेबल पे मेज पे पड़ी होगी, वॉल क्लॉक पड़ी होगी या फिर स्टॉप क्लॉक पड़ी होगी, तो ये जो वॉल क्लॉक होती है ना, ये भी किससे चलती है, बैटरी से चलती है। और आपके हाथ में जो घड़ी होगी वो भी किससे चलेगी, आपकी सेल से चलेगी। तो यहाँ पे मैं कभी यूज कर रहा हूँ सेल और कभी मैं यूज कर रहा हूँ बैटरी। अच्छा, टीवी रिमोट, टीवी में जो रिमोट लगता है उसमें भी क्या लगता है, आपका सेल लगता है। तो कभी मैं सेल यूज कर रहा हूँ, कभी मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि सेल और बैटरी में अंतर क्या है। बेसिकली जैसा आपने समझा कि जो भी हमारी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रिकल की जो डिवाइसेस है, उसमें क्या लगता है, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी क्यों लगते हैं, सेल और बैटरी लगते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लगते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं तो ये कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई और फॉर्म होगा जिससे वो एनर्जी लेते होंगे और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है कि सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। देखो स्टूडेंट, जहाँ पे सेल एक यूनिट है, हिंदी में बोलते हैं एक इकाई है, ठीक है, उस सेल को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर समझिए कि एक सेल एक यूनिट है और बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, बैटरी है बहुत सारे सेल, मैनी सेल्स आर कनेक्टेड टूगेदर। मतलब कि अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक सेल है, इस प्रकार का आपका सेल है एक टॉय का, और वो जो टॉय है वो आपको 1.5 वोल्ट पे चल जाता है। तो इस सेल ने आपको दिया 1.5 वोल्ट, इस सेल ने आपको दिया, इस सेल ने आपको 1.5 वोल्ट दिया, और इस सेल के दो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। एक जो आप ये देख रहे हो ना ऊपर उभरा हुआ पार्ट, वो होता है प्लस, और जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है ना वो होता है माइनस। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया एक सेल दे दो, तो मतलब ये एक सेल हो गया मेरा, एक सेल हो गया, ठीक है। अब अगर इसी सेल को मैंने बोला कि यार मुझको जो टॉय चलाना है अब वो 3 वोल्ट पे चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक और सेल लूंगा, इस प्रकार से सेल लूंगा, और इसके भी दो टर्मिनल होंगे आपके प्लस और माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस को माइनस से जोड़ दूंगा, ठीक है, और जो आपका जो टॉय का जो पावर जहां चाहिए उसके दो टर्मिनल हो गए, एक ये और एक ये, तो जो टॉय का जो सर्किट होगा वो इसके अक्रॉस आप लगा दोगे तो आपको कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, 3 वोल्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, जो एक सेल क्या है, आपकी एक यूनिट है, एक इकाई है, जबकि आपकी जो बैटरी क्या है, जब आप बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करते हो तो वो बन जाती है
बैटरी। ठीक है, अब देखो सिंबल देख लो क्या है, आपके सेल का क्या सिंबल होता है, सिंबल आपके सेल का क्या होता है और बैटरी का क्या होता है। देखो स्टूडेंट, सेल में जैसे हमने क्या देखा, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाले को हम बड़े डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव वाले को हम छोटे डब्बे से, छोटे डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस प्रकार से होता है मेरे सेल का सिंबल, ये देखो ऐसे, ये है प्लस और ये है माइनस, इस प्रकार से देख रहे हो, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है सेल का सिंबल है। ठीक है, अब देखो बैटरी, बैटरी मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाती है, हमारी बैटरी बन जाती है। उसका सिंबल भी क्या होगा, अगर आप दो तीन सेल के सिंबल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी का सिंबल बन जाएगा। तो वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, देखो इस प्रकार से आपका, सॉरी इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट करोगे तो किसका सिंबल बन जाएगा, ये आपका बैटरी का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमने समझी बात कि सेल और बैटरी जो है हमारे लाइफ के अराउंड, आप देखोगे सब जगह आपको टॉयज, बाइक, कार, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, सब में आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपको सेल और बैटरी मिल जाएगा। सेल जो है आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दो टाइप की, दो फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो जो आपके सेल कौन सी एनर्जी देते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये जो सेल जो होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। मतलब कि अगर 1.5 वोल्ट का जो सेल है ना, तो वो आपको 1.5 वोल्ट फिक्स देगा। ऐसे नहीं कभी 1 दे रहा है, कभी 1.5 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी नेगेटिव दे रहा है, जो कि किसमें होता है, ऑल्टरनेटिंग साइकिल यानी कि एसी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई सेल है मान लो, तो समय के साथ उसकी जो वोल्टेज रहेगी ना वो कॉन्स्टेंट रहेगी, 1.5 वोल्ट है जैसे मान लो, तो वो 1.5 वोल्ट कॉन्स्टेंट आपको उतनी वोल्टेज देगा। बाद में जब सेल डिस्चार्ज हो जाए, जब खत्म हो जाए, तब वो 0 वोल्ट या फिर कम वोल्ट हो जाए, बात अलग है, पर एक समय के लिए, काफी समय के लिए जो वोल्टेज देगा वो फिक्स 1.5 वोल्टेज ही आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, ये आपने समझा। सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो बहुत सारी चीज हमने पढ़ ली सेल के बारे में। अब सेल एक जो बेसिक इकाई है, सेल क्या है, एक यूनिट है, जो एक बहुत ही बेसिक मूलभूत आधार है इस चैप्टर का। तो समझते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, सेल में क्या होता है, अंदर सेल के क्या होता है वो समझते हैं। ये मैंने बनाया सेल, आप भी बना लीजिए अपनी कॉपी में, ये मैंने बनाया सेल। ठीक है, तो इस सेल का सबसे पहले तो क्या है, क्या बनाया मैंने सेल का, कंटेनर, कंटेनर जिसमें आपने सामान सेल का रख रहे हो। ठीक है, ये क्या है, सेल का कंटेनर है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये सेल का कंटेनर है, ये कंटेनर किस चीज का बनाया जाता है। अब आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेड एसिड सेल, ये बताओ स्टूडेंट्स कि जो आपका लेड एसिड सेल है, ठीक है, इसमें कौन से मटेरियल का कंटेनर यूज होता है, तब आपको बताना है। इसमें आपके रबर का यूज होता है। ठीक है, अब अगर आपका आ गया, बताइए स्टूडेंट, वोल्टाइक सेल जो है उसमें कौन सा कंटेनर यूज होता है, तो आपने बता दिया उसमें ग्लास एज अ कंटेनर यूज होता है। ये क्या है, कंटेनर मतलब पात्र बोल सकते हैं या फिर बर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, कंटेनर ऐसी चीज जिसमें आप, जो इसका बेस है, आधार है, और जिसमें आप सारा सामान जो भी सेल का है वो अंदर रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कंटेनर के ऊपर, कि अक्सर ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंटेनर के मटेरियल के ऊपर, तो ये समझने की बात है कि अगर जब मैं यूज कर रहा हूँ रबर, तो मैं रबर क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ग्लास, तो मैं ग्लास क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं जो कंटेनर का जो मेटेरियल होगा, समझे स्टूडेंट, कंटेनर का मेटेरियल मैं इस प्रकार से लूंगा कि जो कि नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, पहली पॉइंट, और दूसरी पॉइंट नॉन रिएक्टिंग हो। ठीक है, मतलब कि कंडक्ट ना करे बिजली का, जैसे रबर है, कांच है, ये बिजली का कंडक्ट नहीं करते।
अगर ये बिजली का कंडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, सर्किट आपका शॉर्ट होने की संभावना रहेगी, इसलिए हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का यूज लेते हैं। दूसरी बात, ये होने चाहिए नॉन रिएक्टिंग, मतलब ऐसी चीज जो चीज रिएक्ट ना कर जाए। अगर इसकी कंटेनर में मान लीजिए मैं यूज कर लूं कॉपर को यूज कर लूं, मान लीजिए ठीक है, तो कॉपर क्या है, यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा है H2SO4 मान लीजिए भरा है, तो ये क्या करेगा, H2SO4 से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बन जाएगा और कंटेनर समय के साथ में जंग लग के खराब हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन कर जाएगा आपका। तो जो कंटेनर जो है इस प्रकार का होना चाहिए जो रिएक्शन ना करे, तो उसमें जो प्रॉपर्टी रहेगी किसकी प्रॉपर्टी रहेगी, आपकी रबर की और ग्लास की। तो ये बात भी आप लोगों ने समझ ली ठीक है, कंटेनर किस चीज का बनता है। अब देखो स्टूडेंट्स, बात करता हूं मैं, इसमें एक होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या रहता है, एक क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें रहता है ठीक है, क्या रहता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो सॉल्यूशन रहता है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट सेल में डिफरेंट प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज होते हैं, जैसे हमारे जो लेड एसिड सेल होता है ना उसमें यूज होता है क्या, आपका H2SO4 आपका यूज होता है, और जो आपका जो ड्राई सेल होता है जो आपके टॉयज की मैंने आपसे बात कही थी ना भी, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे स्टूडेंट आप, उसमें बताएंगे आप NH4Cl, क्या बताएंगे उसमें आप NH4Cl उसमें बताएंगे ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट आप समझे, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लेड एसिड सेल में, ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड रहता है ठीक है, और वो हेल्प करता है जो आयंस जो होते हैं जैसे कि H2SO4 है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन में जाके 2H+ और SO4 2-, मतलब हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन और क्लोरीन के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो इसका जो रिएक्शन है, अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन का जो लेना देना, इलेक्ट्रॉन का जो पूरा सर्किट है उसमें ये हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे हमने समझी एक और बात, सेकंड चीज हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलाइट, तो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कंटेनर के बारे में, और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ ली यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स देखो, रोड आप समझते हो क्या होते हैं, रोड्स, रोड होती है छड़ ठीक है, उसी प्रकार से दो छड़ है, ऐसे समझ लीजिए, किसकी छड़ है, मेटल की छड़ होती है ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट ध्रुवता के ये होते हैं, अपोजिट पोलैरिटी के हिसाब से ये होते हैं। तो उसमें एक होता है कैथोड और एक होता है आपका एनोड ठीक है, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड ठीक है। अब ये बताओ कि ज्यादा नेगेटिव कौन सा होता है, कई बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव वाला कौन सा होता है, कई सोचते एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कैथोड वाला होता है या फिर एनोड वाला होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है कैन, आई कैन ठीक है, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं, तो समझिएगा आई कैन मैं कर सकता हूं या फिर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो सी जो है वो क्या है आपकी कैथोड है, सी मतलब कैथोड है, और कैन का जो एन क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना बात स्टूडेंट्स कि जो कैथोड जो होता है हमेशा कैन, सब समझते हो, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं, तो सी मतलब होता है कैथोड और एन मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि समझो स्टूडेंट जो कैथोड रहता है ना वो आपका नेगेटिव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है, कैथोड आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और कैथोड नेगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहता है। जैसे कि आपका जो ड्राई सेल रहता है ना, जो आपका ड्राई सेल रहता है, जो आपके टॉयज में जो सेल आप यूज करते हो, जो सेल आप घड़ी में यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई सेल बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है ना वो होता है आपका कार्बन की रोड जो होती है ना वो आपकी होती है एनोड, और जो कैथोड जो होता है ना उसमें कैथोड क्या होता है, उसमें जिंक होता है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप इतना समझो
कि कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। अब मैं आगे स्टूडेंट्स आपको ले जाता हूं मैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये समझा आपने, एनोड है ये समझा, कैथोड नेगेटिव है ये आप समझा। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये करूं, मैं एक मिनट इसको रब कर रहा हूं पहले, तो अगर यहां पे क्या है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिंग का जो सॉल्यूशन है इसका, इस प्रकार से हुआ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका कैथोड है इसमें किसकी भरमार है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा दो, एक वोल्टेज लगा दो वोल्ट सेंस करने के लिए, या फिर एक लोड यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो, इस प्रकार से आप लोड कनेक्ट कर दो इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा उससे, वो देखो, इससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज्यादा से कम की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस प्रकार से मूव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की जो डायरेक्शन रहेगी, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, समझो बात को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करे और लोड के थ्रू होके वो मूव कर रहे हैं, तो यानी कि लोड को एनर्जी किससे मिल गई, इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से लोड को एनर्जी जो चाहिए थी वो मिल गई। जैसे कि आपकी घड़ी है, तो घड़ी किससे चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। वो क्यों चल रही है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें वो हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन आपने समझ ली, ठीक है। अब एक और बात और समझो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन रहती है, देखो स्टूडेंट क्या मैं बोल रहा हूं, जो करंट की जो डायरेक्शन रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहा है तो उसी को करंट की दिशा में लेंगे, ऐसा नहीं है। करंट की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा से उल्टी ली जाती है, तो आई जो हम जो कन्वेंशनली इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हम लोग लेते हैं, किसकी डायरेक्शन, करंट की, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों भाई, जब इलेक्ट्रॉन ही बह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही सारा काम कर रहे हैं, फिर आपने जो करंट की जो डायरेक्शन रखी थी वो इलेक्ट्रॉन के संबंध में आप रख देते, तो आपने ऐसा क्यों किया। देखो उस पे आप मत जाओ, ये चीज ऐसी है कि मैंने किसी का नाम राम रख दिया, किसी का नाम श्याम रख दिया, अब राम का नाम श्याम क्यों रख दिया, श्याम का नाम राम क्यों रख दिया, नाम में आपको नहीं जाना है, तो ये आप समझ लो कि ऐतिहासिक कारण या फिर हिस्टोरिकल रीजन जो भी रीजन रहा होगा, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन को लिया जाता है। समझ में आ गई स्टूडेंट बात, तो कैथोड में है इलेक्ट्रॉन की भरमार, तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। अब इस चीज को मैं यहाँ पे देखो ध्यान से इस चीज को लिखना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट आता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ सारी बात। देखो ये क्या है आपका माइनस, ये आपका है प्लस, एनोड होता है आपका प्लस, ठीक है, और ये होता है आपका कैथोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ये आपने कनेक्ट कर दिया लोड, ठीक है, ये प्लस से और ये नेगेटिव से आपने जोड़ दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो शुरू हुआ वो कैसे होगा, ऐसे, मतलब कि ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, ठीक है, यहां आ गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सेल के बाहर, सेल के आउटसाइड क्या मूवमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो सेल के आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहां रहेगा आपका, कैथोड से रहेगा एनोड, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता ये सेम क्वेश्चन कि करंट का क्या रहेगा, करंट का फ्लो किधर होगा, तो आप बताएंगे एनोड टू कैथोड रहेगा, ठीक है। और देखो एक बार समझो इसको, मैं एक बार उसको टेबल से और अच्छे समझा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि सेल के इनसाइड क्या होगा, अब अगर यहां से क्वेश्चन बचता है तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो ध्यान से, तो यहां पे आप देखें कि अगर हमसे पूछा जाए कि करंट फ्लो जो होगा, अगर सेल के इनसाइड पूछा जाता है अगर आपसे,
अगर आपसे पूछा जाता है सेल की इनसाइड, इनसाइड द सेल आपसे पूछा जाता है, अगर इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहेगी वो कहां से रहेगी आपकी, ऐसे रहेगी, ठीक है। ये पूरी चक्कर पूरा होगा, ऐसा पूरा चक्कर पूरा होगा, कैथोड से एनोड गए और इस प्रकार से पूरा चक्कर होगा ये, ठीक है। तो अब जो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी एनोड से आपकी कैथोड होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुनेंगे सर इतना बेसिक पे क्यों जा रहे हैं, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट जो है इसमें चकमा खाते हैं, इसलिए मैं इस चीज को एकदम क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, कोई आपके मन में डाउट ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देता हूँ और एक टेबल बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक चीज लिया आपसे, मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड, बात कर रहा हूँ मैं आउटसाइड फ्लो की बात कर रहा हूँ, और एक बार मैं बात करूंगा आपसे इनसाइड की, ठीक है। यहां पे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की और यहां पे मैं बात करूंगा करंट की, ठीक है। अब देखो ये टेबल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मतलब है कैथोड और ए मतलब है एनोड, ठीक है। ए होता है पॉजिटिव, कैथोड मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। ये है आपका सेल, ये आपका सेल है, ठीक है। ये है आपका कैथोड, ठीक है। ये है आपका एनोड। यहां पे क्या है आपकी जो करंट की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे। अब आपको जो समझ लेना स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात समझो ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड है नेगेटिव आई कैन, तो सी मतलब कैथोड, एन मतलब नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन आपके कहां से कहां होंगे बाहर फ्लो, आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होंगे, और ये पूरे चक्कर पूरा करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है ना वो बनाना, ठीक है। तो ये एनोड पे आ गए और यहां से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फ्लो होंगे, रास्ता देख रहे हो आप। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी चीज आपकी इजिली हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, जो कैथोड जो आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो हो रहे हैं आपके, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और इनसाइड क्या होगा फिर, वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, तो क्या लिखोगे आप, ए टू सी लिखोगे। अब ये चीज जो मैं बता रहा हूँ सर, आप सोचेंगे इतना ध्यान क्यों दे रहे, ये समझ लीजिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और याद नहीं करना है कॉन्सेप्ट जो है, दो बातें याद रखनी है, वही मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वन और पॉइंट टू, ठीक है। और ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, पर समझ लो इसमें क्या चीज मैंने इसमें इंफॉर्मेशन को डाला है। अब देखो जो करंट है मेरा, करंट मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, सी टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो दो पॉइंट लिखने हैं आपको, एक पॉइंट आप ये लिख लो यहाँ पे, पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये लिखेंगे इसमें कि करंट और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, अपोजिट है, इस पॉइंट को आप लिख लें, विपरीत है, ये मेरा पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट मेरा ये है आपका, आई कैन मतलब सी है आपका कैथोड और एन है आपका नेगेटिव, मतलब जो कैथोड है आपका क्या है, नेगेटिव है, इस बात को आप समझें, ठीक है। और इस बात को और समझ लें कि आउटसाइड, आउटसाइड अब इलेक्ट्रॉन की भरमार कहां पर है, इलेक्ट्रॉन की जो कहां पर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे है, तभी तो वो नेगेटिव है ना, तो आउटसाइड कैथोड से एनोड जाते हैं, ठीक है, ये भी आप समझ लो। और चौथा पॉइंट मेरा ये समझ लो, ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना पूरा साइकिल पूरी करेंगे, एक साइकिल पूरी करेंगे इस प्रकार से, एक राउंड मार के आएंगे, क्या मार के आएंगे, राउंड मार के आएंगे। अगर इन चौथी चारों बातों को आप समझ गए हो, याद कर सकते हो, तो ये टेबल में आपको कंफ्यूजन क्या है, कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने थोड़ी लंबी खींच गई, कोई बात नहीं, पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफी बात में मेरे ख्याल से जो मैं लेके चला था वो मैंने आपको बता दिया है, और उसके जो बेसिक्स है, उसका जो सिंबल्स है, और सेल और बैटरी में क्या अंतर है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, उसको जो रास्ता देना, उसको रास्ते को सर्किट को पूरा करना होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं,
ये सारी चीज हमने फ्लो क्या होगा वो हमने इसमें कवर कर ली। अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, और उसमें भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के क्या एग्जाम्पल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में कौन सा कंटेनर यूज होता है, क्या उसके एडवांटेजेस है, तो वो हम अभी नेक्स्ट लेंगे। पर इससे पहले जो बेसिक जो आपको पढ़ना था सेल के बारे में आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।